आखिरकार इंडिया गठबंधन ने वो कर दिखाया है कि जिसकी वजह से जो गुजरात लॉबी है उसकी नींद हराम हो गई है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। कांग्रेस को पीछे करने की कोशिश हो रही है। लालू प्रसाद यादव खुश नजर नहीं आए। नीतीश बाबू तो खैर उनका तो मुंह ही लटका था। अखिलेश यादव भी चुप्पी साधे हुए नजर आए हैं और उधर ठाकरे ने भी कुछ इस पर ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं दिया। भारत एट नाइन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ काजोल नारायण। आज बात करेंगे इंडिया अलायंस की इंडिया गठबंधन पर हुई बैठक की, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष भी देश में बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी बैठक होती है 19 दिसंबर को और इसके बाद बहुत सारे वीडियो सामने आते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि गठबंधन में फिर से बात नहीं बनी है, सीट शेयरिंग को लेकर आगे किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाएगा, कौन से राज्य में कितनी रैलियां होंगी, कितनी सभाएं होंगी, इस पर अभी कोई तय बातें नहीं हो पाई है। साथ ही साथ पीएम चेहरा, इस पर भी कोई बात अभी नहीं बन पाई है। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन ने वो कर दिखाया है कि जिसकी वजह से जो गुजरात लॉबी है उसकी नींद हराम हो गई है। जी हाँ, कुछ ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, तभी तो मिलियंस में या फिर हजारों में, लाखों में इनके व्यूज आते हैं। उनका ये कहना है कि इंडिया गठबंधन ने वो कर दिखाया है जो करना जरूरी था, क्योंकि गुजरात लॉबी को रोकना है तो ये करना चाहिए। तो अब पहले समझ लेते हैं कि आखिर इस गठबंधन की बैठक में हुआ क्या। दरअसल चौथी बैठक हुई 19 दिसंबर को और बैठक में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि ये बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम भी देखी जा रही थी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। सभी शामिल हुए और जो मास्टर स्ट्रोक ममता बनर्जी ने चला है वो शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। दरअसल ममता बनर्जी ने इस बैठक में पीएम के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रख दिया था और कहा जा रहा है कि ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रख कर एक तीर से दो निशाने नहीं बल्कि कितने शिकार कर दिए हैं। फिलहाल इस मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने विराम लगा दिया है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि फिलहाल हमें फोकस करना चाहिए जीतने पर, प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर तो बाद में भी बात हो सकती है। अब ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले हमें जीत कर अपनी ताकत बढ़ानी होगी, हम जीत के बाद पीएम पद की बात करेंगे। कुछ सूत्रों की माने तो ममता के इस दाव से कई विपक्षी नेता बैठक में नाराज नजर आए। चेहरों से पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। हालांकि आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अपना समर्थन दिया है। अब आप सोचिए, जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अभी तक पंजाब में एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर तैयार नहीं हो पा रही है, उस पार्टी के अध्यक्ष ने इसके लिए समर्थन किया, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। क्या दाल में कुछ काला है? वहीं जिस नीतीश कुमार ने इन सभी पार्टियों को एक माला में पिरोने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से गठबंधन एक साथ आया, जिसने पीएम मोदी के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका, जिसने इस बैठक की शुरुआत पटना से की, उसी नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया गया है। बेचारे नीतीश कुमार, कहां उनके नेता उनके पीएम बनने का सपना देख रहे थे और कहां एक ही पल में चकनाचूर सा होता नजर आ रहा है। एक ही झटके में ममता बनर्जी ने सपने को चकनाचूर कर दिया। क्या इसके पीछे बड़ी प्लानिंग है? बहुत बड़ी प्लानिंग है क्या? ये सवाल हर किसी के जहन में है। लेकिन चलिए वापस से उस पर बात करते हैं जिसका जिक्र मैं कर रही थी। कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि मोदी शाह ने पर्दे के पीछे, जी हाँ, पर्दे के पीछे से कोशिश की थी कि तीन चेहरों को हम टारगेट करते हैं और इन तीनों चेहरों को टारगेट करके हम इस गठबंधन को तोड़ सकते हैं और यूपीए अलग से चुनाव लड़ेगी अगर इस तीन चेहरों को तोड़ दिया जाए तो। पहला चेहरा ममता बनर्जी का वो जिक्र कर रहे हैं, दूसरा चेहरा वो अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहे हैं और तीसरा चेहरा वो जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव का।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए 80 लोकसभा सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। तो अगर जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव में देखा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और अखिलेश के बीच जो तल्ख टिप्पणियां थी, उससे कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। इन पत्रकारों ने जो कहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ ममता बनर्जी, क्योंकि उनके भतीजे पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है, तो वहां ममता बनर्जी को फंसाने की कोशिश हो रही है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने ही राज्य में चुनाव लड़े और बीजेपी से सीधे टक्कर ले। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के तो कई मंत्री ऐसे हैं जो फिलहाल जेल में हैं, और अरविंद केजरीवाल को उसी दिन जिस दिन बैठक हुई उसी दिन ईडी ने समन भी भेजा था। तो इन तीनों को तोड़ने की कोशिश यहां बीजेपी कर रही थी इन पत्रकारों के हिसाब से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद ये पत्रकार उस बैठक में उस राउंड टेबल पर इनके लिए भी एक चेयर तय थी। जिस हिसाब से बातें कर रहे हैं, जिस हिसाब से अंदर की बातें ये बता रहे हैं, पर्दे के पीछे ये देख पा रहे हैं, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि उस राउंड टेबल में कहीं ना कहीं एक चेयर इनके लिए भी फिक्स थी, या फिर वहां पर जितने भी बड़े नेता मौजूद थे, जितने भी पार्टी के प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे वहां पर मौजूद थे, वो कोई ना कोई खबर इनको दे रहे हैं अंदर खाने से, तभी ने पता चल जाता है, या फिर मोदी शाह की जो जोड़ी काम करने वाली है गुजरात लॉबी से कोई ना कोई खबर इनके पास आ जाती है। कुछ तो है, तभी तो इतनी आसानी से ये बोल सकते हैं कि भाई जो तीन को आप टारगेट कर रहे थे, आपका खेल जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है, मोदी शाह का खेल। लेकिन दूसरी तरफ जो सच्चाई है, सच्चाई ये है कि इस बैठक में कुछ भी नहीं हुआ। अब ये तो कह रहे हैं कि इस महीने यानी कि आने वाले महीने जनवरी में बहुत सारी बड़ी रैलियां होने जा रही है, रैलियां जो है वो महानगरों में होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, बिहार में होगी, बंगाल में होगी, इधर कर्नाटक में होगी, इधर पंजाब में भी हो सकती है, दिल्ली में भी हो सकती है। देखिए वो बात की बात है, कब होंगी नहीं होंगी अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। अभी सिर्फ बैठक में जो खबर हम लोगों के पास आई यानी कि मीडिया में जो खबर आई है वो ये है कि यहाँ पर एक नाम जो है पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रस्ताव के तौर पर रखा गया, तय भी नहीं किया गया, वो नाम था मल्लिकार्जुन खड़गे, और ममता बनर्जी ने ये नाम आगे रखा, प्रस्ताव रखा, और अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। लेकिन लालू प्रसाद यादव खुश नजर नहीं आए, नीतीश बाबू तो खैर उनका तो मुँह ही लटका था, अखिलेश यादव भी चुप्पी साधे हुए नजर आए हैं, और उधर ठाकरे ने भी कुछ इस पर ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं दिया, तो कुछ समझा नहीं जा सकता। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीछे करने की कोशिश हो रही है, और साथ ही साथ देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया, आप पहले जीत जाइए उसके बाद फिर तय होगा, और ये सही भी है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर बिना पीएम चेहरे के विपक्षी दल चुनाव लड़ते हैं तो इसका ज्यादा फायदा हो सकता है लोकसभा चुनाव में। खैर तो वक्त बताएगा कि लोकसभा में फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन ना तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात हो पाई है, ना ही पीएम चेहरे पर यहां पर पूरी तरह से मुहर लग पाई है, ना ही आगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होने वाले हैं उसको लेकर कोई बात हो पाई है, यहां पर संयोजक कौन बनेगा उसको लेकर भी चर्चा नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी विपक्षी दल जो है सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, जो मोती है ना विपक्षी दलों के, जिस मोती को माला बनाने की कोशिश नीतीश बाबू कर रहे थे, वो मोती अभी मोती ही है, एक माला में पिरोकर अभी उनकी माला पूरी तैयार नहीं हुई है। देखिए ममता ने जो दांव खेला है उससे कांग्रेस जीत कर भी हारती नजर आ रही है, कुछ ऐसे हालात बिहार के सीएम नीतीश और लालू यादव के भी नजर आते हैं। दरअसल बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद से नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए थे। 6 महीने पहले विपक्ष की पहली बैठक में भी नीतीश के नेतृत्व में पटना में एक बैठक हुई थी, गठबंधन के बनने के पहले दिन से ही इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार संयोजक बन सकते हैं, लेकिन वो सूत्रधार नहीं बन पाए। चौथी बैठक में भी ये बात क्लियर नहीं हो पाई है। जब आपकी सोच अलग जा रही है, जब आपकी विचारधारा अलग जा रही है, जब आप सहमत नहीं हो पा रहे हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से सारी चीजें पता लग रही है, तो कैसे कहा जा सकता है कि गठबंधन एक है, इंडिया अलायंस एक है,
कैसे कहा जा सकता है। इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ नेताओं का मानना है कि ममता ने नीतीश कुमार को पीएम पद की रेस से बाहर करने के लिए खड़गे का नाम आगे बढ़ाया है, जिससे नीतीश नाराज हो गए हैं। और अगर नीतीश नाराज हो जाते हैं तो क्या गठबंधन टिक पाएगा, क्योंकि सूत्रधार तो वही थे इस गठबंधन के। अब आगे आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या खेला होगा ममता बनर्जी ने जो खेला किया है, और वो किसका खेल बिगाड़ेगा, इसका इंतजार तो हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बिना चेहरे के, बिना किसी पोस्टर के और बिना किसी सूत्रधार के, बिना किसी संयोजक के आप सिर्फ बातें करते रहेंगे कि बैठक में पता चल जाएगा, आगे बैठोगे को इसमें पता चल जाएगा, ऐसा करते करते वक्त निकल जाएगा। और जो बीजेपी कह रही है कि 400 प्लस हम सीटें लेकर आएंगे और बीजेपी के लिए जितना आसान कहीं ना कहीं नजर आता है, तो इस बात पर INDIA को पूरी तरह से फोकस करना ही होगा। अगर आप फोकस नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल है। अब इधर खड़गे का नाम क्यों सजेस्ट किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खड़गे का नाम सजेस्ट करके कहीं ना कहीं एक तो दलित कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो दूसरे दल हैं, जो चाहे वो TMC हो गया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो गया, JDU हो गया, RJD हो गया, कहीं ना कहीं इनके मन में ना एक खटास डालने की कोशिश यहाँ ममता बनर्जी ने कर दी है। और ये खटास अगर वाकई पूरी तरीके से बढ़ जाती है तो कांग्रेस फिर अलग हो जाएगी। और धीरे धीरे करके जिस तरह से पंजाब में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अभी हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते, पंजाब में हम सीट शेयरिंग पर बाद में बात करेंगे, तो वही हाल फिर पूरे देश में हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में तो आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो कांग्रेस शून्य है। और यहाँ पर अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम उस पार्टी पर दाव लगाएं जो पार्टी शून्य की तरफ हमें लेकर जाएगी। और बात अगर बसपा की करें तो बसपा की बुआ भतीजे की जो अवसरवाद वाली राजनीति रही है वो तो दिखाई देती है। अब यहाँ पर बसपा इस गठबंधन में शामिल होगी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर बसपा शामिल हो जाती है गठबंधन में तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है इस रथ को। लेकिन क्या वो राजी होंगी, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से शिवपाल यादव ने ये कहा था कि अगर बीजेपी का साथ बसपा पूरी तरीके से छोड़ देती है तो हम सोचेंगे कि हम बसपा को गठबंधन में शामिल करें। भाई उनसे पूछ तो लीजिए कि बसपा शामिल होना चाहती है नहीं होना चाहती है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, इस गठबंधन के भी दो पहलू जो है वो दिखाने की कोशिश हो रही है। अगर आप मीडिया की बात करेंगे तो मीडिया ये दिखा रहा है कि गठबंधन में अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है और बात नहीं बन पाई है, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन ने तो पूरे प्लानिंग की, जो बीजेपी ने, गुजरात लॉबी ने जो प्लानिंग की थी उस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। तो ऐसे में फिर से कहीं ना कहीं दो तस्वीर दिखाने की कोशिश ऐसे पत्रकार कर रहे हैं कि जानबूझकर ये दिखाया जा रहा है कि गठबंधन में कुछ भी नहीं हुआ है, गठबंधन में बहुत कुछ हुआ है, ऐसा ये पत्रकार कह रहे हैं। विश्वास किस पर किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव भी PM बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव भी PM बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी भी PM बनना चाहती हैं, खड़गे का तो खैर नाम ही सामने रख दिया गया है। अब राहुल गांधी PM बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते हैं तो खैर कांग्रेस जानती है, फिलहाल अपने मुँह से तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है। कार्यकर्ता लेकिन कहते हुए नजर आते हैं कि जिस पार्टी के ज़्यादा यहाँ पर सांसद हुए उसी पार्टी से जो है वो PM बनेगा। अब देखिए पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही है उसमें बहुत दम है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले आप जीतने पर फोकस करिए, PM तो कोई भी बन जाएगा, जीतने पर तो फोकस कर लीजिए। मुश्किल है, जिस तरह से आपसी द्वेष खत्म नहीं हो रहे हैं बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर बैठक में देखा गया है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, बैठकों पर बैठक हो रही है लेकिन चौंका देने वाले फैसले अभी तक नहीं हो पाए हैं, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही है,
तो ये महत्वपूर्ण है, सोचने की जरूरत है कि आखिर ये जो दाव चले जा रहे हैं, क्या ममता बनर्जी ने दाव चला है या फिर ममता बनर्जी ने ऐसा करके गठबंधन में खटास डालने की कोशिश की है, क्योंकि अब गठबंधन से मन लोगों का भर चुका है इन लोगों का, ये अलग बातें हैं। अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर 2019 की हम बात करें तो यहाँ पर एसपी बीएसपी का गठबंधन था, तब एनडीए को 64 सीटें मिली थी, एसपी बीएसपी को 15 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। ममता के गेम प्लान में कांग्रेस बसपा उलझती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। फिलहाल ममता ने खड़गे का नाम आगे करके अखिलेश की दावेदारी को कमजोर कर दिया। इतना ही नहीं, इस दाव से ममता ने सिर्फ अखिलेश को ही नहीं बल्कि कांग्रेस की रणनीति का भी उलट पलट कर दिया है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि कांग्रेस चाहती है कि यूपी में बीएसपी भी गठबंधन का हिस्सा बन जाए। अखिलेश को साथ रखकर कांग्रेस का नेतृत्व मायावती से गठबंधन की गुंजाइश तलाश रहा है, लेकिन खड़गे का नाम आगे होने से मायावती असहज हो सकती है। खड़गे का नाम दलित चेहरे की वजह से आगे हो रहा है और यूपी में तो मायावती को ही दलितों का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। हालांकि बीएसपी के नेता अभी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। तो जिसका जिक्र मैंने किया वही बातें अब निकल कर सामने आ रही है। तो INDIA की बैठक कब कब हुई है? पहली बैठक पटना में होती है 23 जून को। तब ऐसा लग रहा था मानो कि एक भूचाल सा आ जाएगा देश की राजनीति में, क्योंकि एनडीए गठबंधन एक तरफ, INDIA गठबंधन एक तरफ और INDIA जो है वो डंके की चोट पर जीत दर्ज कराएगा। लेकिन पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक में ठंडक नजर आई। दूसरी बैठक होती है बेंगलुरु में 17 जुलाई को, तीसरी बैठक होती है मुंबई में 31 अगस्त को और चौथी बैठक होती है दिल्ली में 19 दिसंबर को। इतना लंबा पीरियड यहाँ मिस कर दिया। अब बैठक के बाद किसने क्या कहा ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बहुत जल्द सीटों का बंटवारा होगा, कैसे होगा, कब होगा, कुछ नहीं पता है। अब पीएम के खड़गे पर किसको स्वीकारा गया है, किसको एतराज है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, किसने समर्थन दिया है। लालू यादव का कुछ समझ नहीं आ रहा है। लालू यादव नीतीश पर भी खुश नहीं हो रहे हैं, खड़गे पर भी खुश नहीं हो रहे हैं। आखिर चाहते क्या, अपने बेटे को पीएम बनाना? ये महत्वपूर्ण सवाल है। उधर श्री शेरिंग पर भी फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी से टक्कर वाली 300 सीटें कांग्रेस की तय होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अभी कैंपेन शुरू होगा, सीट पर भी बात होगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि गठबंधन यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगा। लालू यादव कहते हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को शामिल कर ले। हेमंत सोरेन कहते हैं कि झारखंड में सीटों का बंटवारा राज्य स्तर पर हो। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र की सीटों का फैसला दिल्ली में हो। एमके स्टालिन कहते हैं जो जहां मजबूत वहां नेतृत्व करे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि पहले राज्य स्तर के नेता सीट बंटवारे पर फैसला करें। तो ये बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। शीर्ष शेयरिंग हो, पीएम उम्मीदवार हो, गठबंधन का संयोजक हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, चुनावी मुद्दे हो, चुनाव प्रचार हो, ईएम का प्रस्ताव हो, इस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर INDIA इस पर फोकस करता है तो शायद एक टक्कर की यहां पर लड़ाई हो सकती है 2024 में, लेकिन अगर इस पर फोकस नहीं किया तो फिर बीजेपी यानी कि एनडीए का रास्ता जो है वो बहुत आसान नजर आ रहा है। और जो कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि मोदी शाह की प्लानिंग का इंडिया गठबंधन ने काट पूरी तरह से ढूंढ ली है, तो आप वहां मौजूद नहीं थे, उस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ना आप पर्दे के पीछे देख पा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जो बना रहे हैं बनाइए, लेकिन दोनों पहलू दिखाइए। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को या विपक्षी दलों को सही दिखाना और सरकार को हमेशा गलत दिखाना, ये कोई इंसाफ नहीं होता। आप दोनों पहलू दिखाइए। अगर INDIA में कुछ सही हुआ है तो आप वो भी दिखाइए, अगर NDA में कुछ गलत हो रहा है तो आप वो भी दिखाइए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको नहीं सुनेंगे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं। वो जिस तरीके से आप देश की राजनीति को दिखाने की कोशिश करेंगे उसी चश्मे से वो लोग भी देखेंगे। इसीलिए हर एक पहलू पर आपको बात करनी चाहिए। अब INDIA गठबंधन का क्या होगा वो तो खैर पता चल जाएगा, लेकिन अगर INDIA कुछ नहीं कर पाता तो ऐसे पत्रकारों का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे दर्शक हो जो मेरी बात से एग्री ना करें, कमेंट
सेशन खुला है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप मेरी बात से एग्री हैं या नहीं है, या मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी है किसी भी सिचुएशन पर पहुंचने के लिए, ये तो आपके हाथ में है। आप डिसाइड करिए कि INDIA वाकई मजबूत होगा आगे, NDA से टक्कर ले पाएगा, या फिर NDA के सामने अब कोई नहीं टिकने वाला। भारत एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे के साथ।